दोस्तों, कई महीनों तक घर में बंद रहने के बाद क्या आप भी कहीं हॉलीडेज पर जाने की सोच रहे हैं? कहां, माउंटेन्स पर या फिर बीचेस पर? अब ये सब तो पुराना हुआ, क्या हो अगर आप अपने यारों के साथ स्पेस में घूमने जा सको, अपने पार्टनर को स्पेस वॉक करते हुए प्रपोज करो। अगर आपको ये सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा है तो लगता है आपने अंतरिक्ष में बन रहे दुनिया के सबसे पहले स्पेस होटल के बारे में नहीं सुना। जी हाँ दोस्तों, इंसान अब अंतरिक्ष में भी होटल बनाने जा रहा है और स्पेस टूरिज्म भी जल्द ही एक सच्चाई बनने वाली है। क्या है इसकी पूरी कहानी, जानेंगे फैक्टिफाइड हिंदी के आज के इस खास एपिसोड में। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। स्पेस टूरिज्म है क्या? दोस्तों, घर की छत से तारों से भरे आसमान को देखते हुए आपके मन में भी ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि काश एक बार मैं भी उस अंतरिक्ष की सैर कर पाता। पर साइंस की मोटी मोटी किताब पढ़कर एस्ट्रोनॉट बनना हर किसी के बस की बात तो है नहीं। खैर कोई बात नहीं, एस्ट्रोनॉट ना सही, लेकिन टूरिस्ट बनकर आप जल्द ही स्पेस की सैर कर सकेंगे। और मेरा ऐसा कहने के पीछे का कारण ये है कि दुनिया भर की कई मल्टीनेशनल कंपनीज स्पेस टूरिज्म पर काम कर रही हैं, जिनमें जेफ बेजोस की ब्लू ऑरिजन, रिचर्ड ब्रैंसन की वर्जिन गैलेक्टिक और एलोन मस्क की स्पेसएक्स सबसे आगे है। ये कंपनीज धरती पर रह रहे नॉट सो मैंगो लोगों को अपने प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट से अंतरिक्ष की सैर कराने के प्लान्स बना रही हैं। दोस्तों बता दूं कि स्पेस टूरिज्म की ये कहानी दो दशक से भी ज्यादा पुरानी है। जब अप्रैल 2001 में अमेरिकन इंजीनियर और एंटरप्रेन्योर डेनिस टीटो रशियन सोयूज स्पेसक्राफ्ट के जरिए स्पेस में जाने वाले पहले टूरिस्ट बने थे। डेनिस ने स्पेस में जाने और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन तक रहने के लिए रशियन स्पेस एजेंसी को $20 मिलियन यानी कि करीब 150 करोड़ रुपए पे किए थे। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस ने तो इस इंडस्ट्री का फ्यूचर सन 2000 में ही भांप लिया था और इसी के चलते उन्होंने अपनी खुद की प्राइवेट स्पेस एयरक्राफ्ट कंपनी ब्लू ऑरिजन की शुरुआत की। फिर 2002 में स्पेसएक्स और 2004 में वर्जिन गैलेक्टिक कुछ ऐसे नाम थे जिन्होंने स्पेस टूरिज्म की इस इंडस्ट्री की नींव रखी। और दोस्तों, अंतरिक्ष की सैर दुनिया में किसी भी दूसरे सैर सपाटे से कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मुश्किल है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दो दशक से भी ज्यादा बीत जाने के बाद अब तक इनमें से कोई भी कंपनी स्पेस में सैलानी भेजने की शुरुआत नहीं कर पाई है। हाँ, इस साल 11 जुलाई को वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक रिचर्ड ब्रैंसन अपने खुद के स्पेसक्राफ्ट में स्पेस में जाने वाले पहले इंसान जरूर बने हैं और उन्होंने ऐसा करके जेफ बेजोस को सिर्फ 9 दिन से पछाड़ दिया, क्योंकि इसके बाद 20 जुलाई को जेफ बेजोस भी अपने स्पेसक्राफ्ट में धरती की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर आकाश में गए थे। दोस्तों, इन कंपनीज के मालिकों का टेस्ट फ्लाइट्स पर जाना इस बात का साफ इशारा है कि इस सैर का मजा अब दुनिया के बाकी अमीर और शौकीन लोग भी ले सकेंगे। शुरू हुई स्पेस टूर्स की बुकिंग। अपनी अपनी पहली सक्सेसफुल फ्लाइट्स के बाद ब्लू ऑरिजन और वर्जिन गैलेक्टिक दोनों ही अगले साल से आम लोगों के लिए भी स्पेस ट्रेवल शुरू करने वाली हैं। वर्जिन गैलेक्टिक ने तो स्पेस टूर्स के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी है और उन्होंने एक टिकट की कीमत भारतीय करेंसी में 2 से 2.5 करोड़ रुपए के बीच रखी है। माने कि स्पेस की सैर अभी हम और आप जैसों के लिए नहीं है। ब्लू ऑरिजन से स्पेस ट्रेवल करने वाले लोगों को रॉकेट में बैठने से पहले 1 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि वर्जिन गैलेक्टिक के पैसेंजर्स को 3 दिन की ट्रेनिंग लेनी होगी। इसके अलावा स्पेसएक्स का प्लान इन दोनों कंपनी से अलग टूरिस्ट को 3 से 4 दिन के मिशन पर भेजने का है। अब स्पेस में घूमने जाना तो ठीक है, पर स्पेस में ठहरने के लिए जगह भी तो चाहिए। ये मनाली के पहाड़ तो है नहीं कि होटल ना मिले तो कहीं भी टेंट लगाकर सो जाएंगे। जीरो ग्रेविटी में तो एक जगह खड़ा रहना भी मुश्किल होता है, तो फिर रहना कैसी चुनौती होगी, आप सोच सकते हैं। लेकिन टूरिस्ट स्पेस का अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकें, इसके लिए अब एक स्पेस होटल भी बनने जा रहा है जो अंतरिक्ष में बना इस दुनिया का पहला होटल होने वाला है। स्पेस का पहला होटल। दोस्तों, साइंस ने इंसान को इतनी ताकत दे दी है कि अब वो अंतरिक्ष में होटल भी सोच पा रहा है, लेकिन मैन पावर कैसे पहुंचाई जाए? इसके अलावा जीरो ग्रेविटी में कंस्ट्रक्शन करना भी इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल है। फिर भी स्पेस कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन स्पेस में इस लग्जरी होटल को बनाने की तैयारी में है। स्पेस में बनने वाले इस होटल का नाम वॉयेजर स्टेशन रखा गया है और इस होटल का वर्चुअल डिजाइन कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी किया है। इस होटल का डिजाइन
पृथ्वी के आम होटल जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सर्कुलर शेप में होगा जिसमें 24 मॉड्यूल्स होंगे। इसके खास शेप के पीछे भी विज्ञान छिपा है। स्पेस में जीरो ग्रेविटी में भी विजिटर्स को होटल के अंदर ग्रेविटी की फील देने के लिए इसे इस शेप में बनाया जा रहा है। ये 24 घंटे अपने ऑर्बिट पर घूमता रहेगा जिससे होटल के अंदर ग्रेविटी जनरेट की जा सकेगी। इस होटल का साइज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दोगुना होगा, लेकिन इंटीरियर डिजाइन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा जितना ISS का है। 125,000 स्क्वायर फीट के एरिया में बनने वाले इस होटल में 440 लोगों के ठहरने की जगह होगी। अलग अलग तरह के रूम्स और स्पा, रेस्टोरेंट, जिम, लॉज, सैलॉन जैसी सभी मॉडर्न फैसिलिटीज से इक्विप्ड इस होटल में टूरिस्ट को वो सब जरूरी चीजें मुहैया करवाई जाएंगी जिनकी उन्हें अपने स्पेस ट्रेवल के दौरान जरूरत पड़ सकती है। इस स्टेशन के कुछ खुले हिस्सों को लाइव कॉन्सर्ट्स के लिए भी इस्तेमाल करने के प्लान्स हैं। दोस्तों, इस होटल को डिजाइन कुछ इस तरह किया गया है कि आप स्पेस में कंफर्टेबल रहते हुए भी उन नजारों को देख पाएं जो धरती से कभी नजर नहीं आते। वहीं सेफ्टी के लिए होटल में मेडिकल स्टाफ के अलावा इमरजेंसी रिटर्न व्हीकल्स भी मौजूद होंगे जो किसी तरह की इमरजेंसी में टूरिस्ट को सेफली धरती पर ला सकेंगे। दोस्तों, अब स्पेस में कोई प्लॉट या फिर खाली जमीन तो होती नहीं जहाँ नींव खोद के बिल्डिंग बना दी, इसीलिए प्राइमरीली इस होटल की पूरी कंस्ट्रक्शन यही पृथ्वी पर ही की जाएगी और इन्हें स्पेस में सिर्फ असेंबल करने का ही काम किया जाएगा। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह ISS की भी कंस्ट्रक्शन की गई थी। वॉयजर स्टेशन के सभी कंपोनेंट्स धरती से ही स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट के जरिए भेजे जाएंगे। इस होटल को धरती की सतह से 500 किलोमीटर ऊपर बनाया जाएगा और स्पेस के जिस रीजन में इस होटल को बनाया जा रहा है उसे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं और यहाँ सोलर पावर को इस्तेमाल करके होटल में बिजली का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इस होटल के कुछ हिस्सों को टूरिज्म से अलग रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन इस होटल का कंस्ट्रक्शन पहले 2025 से शुरू करने वाली थी और इसे 2027 से टूरिस्ट के लिए ओपन किया जाना था, पर कोविड के चलते इसकी कंस्ट्रक्शन डिले हो गई जो अब 2026 में शुरू होगी। और ये खत्म कब होगी ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मामला स्पेस का है। वॉयजर स्टेशन को बनाने में कुल $200 बिलियन का खर्च आएगा जो इसे मानव जाति के इतिहास का सबसे महंगा इक्विपमेंट बना देगा। अब होटल को बनाने की कॉस्ट इतनी ज्यादा है तो यहाँ रहने का खर्च भी तो ज्यादा ही होगा। वॉयजर स्टेशन पर रहने के लिए कस्टमर्स को 3 दिन के 36 करोड़ रुपए देने होंगे, माने कि 1 दिन के लगभग 12 करोड़ रुपए। हाँ, लेकिन जैसे जैसे स्पेस टूरिज्म बढ़ने लगेगा और दूसरी कंपनीज भी इस इंडस्ट्री में एंट्री करने लगेंगी ये कॉस्ट भी कम होती चली जाएगी। और हमारे लिए ना सही, लेकिन हो सकता है कि हमारी अगली जनरेशन के लिए स्पेस में हॉलीडेज एक बहुत बड़ी बात न रह जाए। खैर, क्या आप भी अंतरिक्ष की सैर पर जाना चाहते हैं और इस होटल को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे? आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में शेयर किए बिना कहीं मत जाना। खैर, मैं जल्द हाजिर होऊंगा एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहें, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।